Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों, previously हम लोगों ने discuss किया था universal law of gravitation को, जिसके according दो bodies के बीच में जो force लगता है वो directly proportional होता है masses के product के. जितना mass होगा उतना ही ज़्यादा force होगा, और inversely proportional होता है square of the distance, यानी बॉडीज़ के बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना फोर्स कम लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब हमने जो सेकंड स्टेटमेंट कही है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, इसको इन्वर्स स्क्वायर रूल भी कहा जाता है. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको इन्वर्स स्क्वायर रूल कहा जाता है. दोनों ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इन्वर्स स्क्वायर रूल, जिससे कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना है या डेराइव हुआ है, वो दोनों ही हमें न्यूटन ने दिए हैं. ठीक है, तो न्यूटन ने ये इन्वर्स स्क्वायर रूल किस तरह से गेस किया ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, ताकि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेराइव हो सके. और कितना इम्पॉर्टेंट है ये लॉ, यूनिवर्सल लॉ हर जगह यूनिवर्स में एप्लीकेबल है. साथ ही साथ हम किसी भी प्लैनेट के मास की या स्टार्स के मास की हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे. तो इसे बनाने के लिए ये जो हमें फॉर्मूला मिला है इन्वर्स स्क्वायर रूल का, ये न्यूटन ने कैसे गेस किया था हम लोग पहले आज इस वीडियो में ये देखेंगे. तो कैपलर के लॉज हम लोगों ने पढ़े हैं. ठीक है, तो कैपलर के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इससे इन्होंने ये फॉर्मूला डेराइव किया था इन्वर्स स्क्वायर रूल का. ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया क्या, हम लोगों ने पढ़ा है कैपलर का थर्ड लॉ कि क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस का क्यूब फ्रॉम प्लैनेट टू सन. ठीक है, कोई भी ये यहाँ पर मान लो सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहे हैं यहाँ, तो जो डिस्टेंस है उसका क्यूब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर के. कौन सा टाइम? जो ये प्लैनेट मूव कराने में, वन रेवोल्यूशन करने में जो लेते हैं उस टाइम के स्क्वायर के. ठीक है, इतना इन्होंने बोला था. यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है? कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट हमने लिखा और फिर टी का स्क्वायर, ऐसा ही है. टी को अगर यहाँ लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, बड़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो न्यूटन ने इस थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से अपना ये इन्वर्स स्क्वायर रूल बताया था. प्रीवियसली मैंने आपको बताया भी था कि कैपलर ने रूल्स तो दिए थे, लॉज तो दिए थे, पर उनको थियोरेटिकल एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो तो न्यूटन ने किया था. तो न्यूटन जब स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने इसका यूज़ करके अपने लिए एक नया फॉर्मूला बनाया, अपना एक नया रूल बनाया, और फिर इसका यूज़ करके उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया जो हर जगह एप्लीकेबल है. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन. अब न्यूटन ने ये यूज़ तो किया, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कुछ अलग एज्यूम किया. ठीक है, क्या एजम्पशन रही? भाई कैपलर ने कहा था कि सारे प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, बल्कि न्यूटन ने इसका थोड़ा सा ऑपोजिट किया. इन्होंने कहा कि नहीं, सर्कल में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ लेकर करेंगे इसका डेरिवेशन. ठीक है, तो ये छोटी सी एजम्पशन न्यूटन ने की सर्कुलर पाथ मानकर. तो सर्कुलर पाथ है जिसमें कि सन बीच में है और चारों तरफ प्लैनेट उसके मूव कर रहा है. प्लैनेट है, लेट्स से इसका मास m है, और ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी है v. अब पूरा एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर आ जाएगा. कितना टाइम लगेगा उसको वन रेवोल्यूशन करने में? टाइम t. ठीक है, इतना हो गया. अब ये चक्कर क्यों लगा रहा है? क्योंकि सन इस पर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, तभी ये सर्कल में मूव कर रहा है. और सर्कुलर मोशन में जो मूव कराए फोर्स, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, डिस्कस किया है हमने प्रीवियसली.
सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम सेंट्रल सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, है ना, सेंटर की तरफ जाने वाला, तो इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लग रहा है, उसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अपर क्लासेस में आप देखोगे कैसे ये डेरिवेशन हुई। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, यानी एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मास एक्सेलरेशन से ये डेरिवेशन हुई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो इस एम मास की बॉडी पर फोर्स लग रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब किसी भी प्लैनेट का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं, भाई वो तो एक ही जैसा रहेगा, वो तो नहीं चेंज होने वाला। ऐसा तो नहीं ना कि वो जाते वक्त में हल्का था और आते वक्त में, घूमते वक्त में वो भारी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो मास कांस्टेंट रहता है, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो हमने हटा दिया उसको, और वी स्क्वायर अपॉन आर, अभी बहुत सारी चीज़ों को हम हटाने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करने हैं कि ये टी टाइम में, ठीक है भाई, वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। ठीक है, कितना ये डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, वहीं पर, अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी देखो ये कहाँ पर मूव कर रहा है, ये इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर मूव कर रहा है, वहीं पर मूव कर रहा है। तो यहाँ से शुरू हुआ, यहीं पर ही वो आ गया, इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी जो जगह बदली, वो कितनी हुई, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर, जो कि कितनी होती है, 2πr। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि जब ये यहाँ से शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी यह थी, मतलब इनिशियली वो उसकी जो प्लेस था वो यहाँ था, और वापस घूमकर वो यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें डेरिवेशन, हमें इनवर्स स्क्वायर रूल बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल कैलकुलेट नहीं, बल्कि एक डेरिवेशन को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन करते वक्त में हम उसका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में जितना हुआ है उस सर्कल के अकॉर्डिंग वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया टाइम। अब वेलोसिटी की आई है ये वैल्यू, यहाँ पर 2 और पाई वैल्यू बदलेगी कभी इनकी, नहीं, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, तो इनको ऐसे ही रहने दो, हटाओ इनको। तो वी इक्वल टू हो गया, इज इक्वल्स टू आर अपॉन टी। ठीक है, वी की वैल्यू आर अपॉन टी आ गई। अब कुछ चेंजेस और करने हैं, बस दो स्टेप और हैं जो आपको रिमाइंड रखने हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग, बाई टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, बाई टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर लेते हैं, कौन से दोनों साइड, वी स्क्वायर यहाँ इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर ले लिया। दूसरा और हमें क्या करना है, यहाँ के बाद का एक तो ये स्टेप हो गया, दूसरा जो राइट साइड है इक्वेशन, उसमें हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में आर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और आर से ही हम डिवाइड करेंगे। चलो तो वी स्क्वायर राइट साइड, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, टी स्क्वायर इतना तो था ही, और डिवाइड भी आर से कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आर क्यूब, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर आर, ठीक है, वन अपॉन आर समझ लो या आर कर लो। अब ये जो फॉर्मूला है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है, प्रीवियसली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कैपलर का मोशन, कौन सा, प्लैनेटरी मोशन। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला। जब इतने सारे कांस्टेंट हमने हटा दिए तो इसको भी हटाओ, ये हो गया कांस्टेंट, जिसकी वजह से इसको टाटा बाय बाय, चलो वन अपॉन आर बचा। ठीक है, वन अपॉन आर। अब ये जो है ना इक्वेशन सेकेंड, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट में रख लेते हैं। ठीक है,
तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, समझाने तो आपको हो ही गया। तो एफ इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड में वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर की वैल्यू हम 1/r लिख लेंगे, r यहाँ पर है ही पहले से। एफ इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर। पहचाना क्या है ये, कि फोर्स जो बॉडीज़ पे लगता है दो बॉडीज़ के बीच में, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर रूल। ये रूल आया कैपलर की हेल्प से, कैपलर के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से, और फिर इस रूल की हेल्प से आया ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ, ठीक है, जो न्यूटन ने अब तक दिया। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, आप लिखकर बता सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।